मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? व्यूअर्स, मेरा नाम उमर है और आप लोगों ने काफ़ी मेरी वीडियोस देखी होंगी पहले भी। मैं काफ़ी गाड़ियों की मतलब रिव्यू के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। तो आज एआर गेमिंग मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग कोलेबोरेशन वीडियो बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मैं आपको उन गाड़ियों के बारे में रिव्यू देता हूँ। जी, बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लैंड क्रूजर है, सब इसके बारे में पाकिस्तानी भाई सब बल्कि ऑल वर्ल्ड, ये काफ़ी जगहों पे ये गाड़ी चलती है, काफ़ी मुल्कों में। और ये है हमारी हाइलक्स रेवो, ये एयर गेमिंग बकर मतलब उनकी गाड़ी है। तो ये आज मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आज इनके बारे में रिव्यू करते हैं और ज़रा एक रेस वगैरह और ऑफ रोडिंग के बारे में इनकी वीडियो बनाते हैं और लोगों को इसके बारे में आगाह करते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही हमने ये एक साथ गाड़ियां ली थी वाइट कलर में। और लैंड क्रूज़र की जो लेंथ है वो है 4950 और जो है मेरे हाइलक्स रिवो की है ये है 5325। और जो इसकी विड्थ है लैंड क्रूज़र की ये 1980 है और जो वीगो है इसकी 1855। और इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो लैंड क्रूज़र की जो है ये 225 है और वीगो, क्योंकि ये मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा बनी है, रैलीज वगैरह और इन चीज़ों के लिए, इसलिए इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 310। और बूट स्पेस जो है लैंड क्रूज़र की 700 है और जो वीवो हाइलक्स वीवो है इसकी तो बूट स्पेस की ज़रूरत नहीं, इसके तो पीछे मतलब कि दिया मैंने। और ये जो हमारी ये हाइलक्स रिवो है इसमें जो हमारी हाइलक्स रिवो है इसका तो मतलब बूट स्पेस का कोई वो है ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक जो इंटरनल ड्राइव है ये ही बहुत बड़ा। और जो इसका कर्व वेट है लैंड क्रूजर का ये है 2690 और जो वेगो रिवो हाइलक्स रिवो है इसका है नंबर ऑफ डोर, जैसे कि सबको पता है कि लैंड क्रूजर में 5 है और रिवो में है 4। और इंजन पावर जो है ये इसकी जो लैंड क्रूजर है इसकी 314 है और रिवो की है 200। और जो प्रोड्यूस करती है लैंड क्रूजर वो 460 और जो हाइलक्स रिवो है ये 500। और नंबर ऑफ सिलेंडर दोनों में 4 ही है। और फ्यूल टाइप जो हमारी ये हाइलक्स रिवो है इसमें डीजल है और जो हमारी लैंड क्रूजर है ये पेट्रोल वेहिकल है। और स्टीयरिंग दोनों में एक लैंड क्रूजर में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है और जो हाइलक्स रिवो है इसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लैंड क्रूजर की 93 है और हाइलक्स रिवो की 8। और माइलेज हाइलक्स रिवो जो है 9 सिटी में और 11 से 12 हाईवे पे करता है और जो लैंड क्रूजर है हमारी ये 4 से 5 हमारी सिटी में करती है। और मतलब अगर हम लोग हाईवे पे बहुत भी हल्के पैर से चलाएं, बहुत स्लो से चलाएं 120 के दरमियान में तो ये बहुत भी तो 7 से 8 दे देती है। और ट्रांसमिशन दोनों में ऑटोमेटिक है और गियर बॉक्स दोनों में 6 है और ब्रेक दोनों में आती है, डिस्क ब्रेक्स आती है और अलॉयरिंग दोनों में आती है। व्हील साइज जो लैंड क्रूजर का है वो 20 है और हाइलक्स रिवो का 18 है। और बाकी इसमें इतनी खास चीज़ें तो नहीं है, बाकी जो इनके अंदर फीचर्स हैं वो तो अनगिनत है। मतलब इसमें नेविगेशन आ जाता है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, इसमें सनरूफ इसमें लैंड क्रूजर में है उसमें नहीं है, और क्रूज कंट्रोल आ जाता है, और इसके बाद इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ जाता है, काफ़ी मतलब लेदर सीट्स और काफ़ी हीटेड सीट्स, काफ़ी फीचर्स है इसमें जिन भी नहीं सकते। और अब हम लोग अबू बकर भाई है, अब हम लोग इसकी रेस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं भागने में दोनों गाड़ी। वैसे दोनों गाड़ियों की जो मैक्स स्पीड है वो 180 ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं पावर वाइज, क्योंकि लैंड क्रूजर 4600 cc है और जो हमारा हाइलक्स रिवो है ये 2800 cc है। तो अब हम लोग चेक करते हैं रेस करके। तो आ जाए अबू बकर भाई। वो बकर भाई अब मेरी रिक्वेस्ट, अब हम लोग इसकी करते हैं 1500 मीटर वाली कर लेते हैं गाड़ियों की आपस में रेस वगैरह की चेकअप की।
इनकी कौन सी गाड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैंडलेस रिमोट जो है ये ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, और जो लैंड क्रूजर है ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी है, लेकिन ये लग्जरी लग्जरी गाड़ी है। तो अगर हम लोग ऑफ रोडिंग के लिए ले सकते हैं तो हमारे लिए हैंडलेस रिमो बेस्ट है, और अगर हम लोग मतलब सिटी यूज के लिए और मतलब अगर हम लोग की पसंद है लग्जरी के लिए हिसाब से हम लोग लेना चाहें तो लैंड क्रूजर इज बेस्ट। अब लैंड क्रूजर आगे है रिवो पीछे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी वो मसला है, लेकिन इसमें ये मसला ये भी है, लेकिन जो है ना इसमें एक और भी चीज़ है ना कि इसको क्या कहते हैं वो है 2600 सीसी और ये है 4600 सीसी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, उस गाड़ी ने मुकाबला किया है इस गाड़ी का। तो हम लोग इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग चेक करते हैं कि ऑफ रोडिंग में दोनों गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करती हैं। तो आ जाए बकर भाई, ऑफ रोडिंग किस तरफ है ना, ऑफ रोडिंग मैं भी आगे से पेट्रोल डलवाना है, आप आगे आ जाए ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर मेरे या आप लोग ओपिनियन के हिसाब से देखें तो मुझे तो आई लव लैंड क्रूजर, और बस तो भाई बात की लैंड क्रूजर करना है, लेकिन उन लोगों ने असल में थोड़ा सा प्लान किया था कि रिव्यू चेक करें लैंड क्रूजर दोनों का आपस में देखें तो दोनों में हालांकि इनका आपस में नहीं बनता मुकाबला, लेकिन फिर भी हम जरा एक अपने मतलब चेक करने के लिए, क्योंकि अभी बकर भाई ने नई नई ली है रिव्यू, उन्होंने वैसे सोचा था काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस और काफ़ी चीज़ों में। अभी हम लोग अपना टैंक फुल करा लेते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर ऑफ रोडिंग की तरफ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग मैं आपको भी देखा सर, प्लीज़ इनके चैनल को सपोर्ट करें, इनकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी हमारी इस तरह कोलैबोरेशन वीडियोज़ आए तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, और हम लोग कमेंट्स करके आगाह क्लियर करें ताकि हम लोग इसके आगे हम लोग शायद ग्रैंडी की बना लें, हम लोग सिविक की बना लें, हमारे पास समय है, इसके काफ़ी मोड्स किए हुए हैं कार पर के, काफ़ी हमारे पास मोड्स हैं, ग्रैंडी के भी किए हुए हैं, के किए हैं और प्रियस, काफ़ी हमारी ऐसी गाड़ी है जिनके हमने मोड्स किए हैं इंस्टॉल। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको उन मोड्स का लिंक दें तो वो भी बकर भाई आवाज़ आ रही है मेरी, ये कहना था कि हमने मोड्स किए हैं काफ़ी ग्रैंडी के किए हुए हैं, सिविक के किए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं सिविक प्री एस वेट चेकार कारवान एल्समेन सिटी और काफ़ी गाड़ियाँ तकरीबन समझ लें सुनाटा, यस बिल्कुल, काफ़ी हमने इस तरह की
अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे की गाड़ियों के जो भी आप कह रहे हैं गाड़ी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आगाह करें, इंशाल्लाह आगे हमारी ज़रूर आएगी इस गाड़ी। और प्लीज़ प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। और इंशाल्लाह हम लोग अगर आगे आपने हमारा चैनल सपोर्ट किया तो हम लोग ज़रूर आपको मोड्स का लिंक देंगे, अपना अकाउंट भी हम लोग दे सकते हैं जो अगर जिस तरह आप लोग चाहेंगे हम लोग कहेंगे। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें।